हेलो फ्रेंड्स, आज हमारे पास है महिंद्रा की स्कॉर्पियो एमहॉक और इसमें प्रॉब्लम है कि इग्निशन ऑन करने पे ये सारी वार्निंग लाइट्स कंटिन्यू ऑन है और इसका जो फॉल्ट है हमने देखा हुआ है, इसका फॉल्ट बीसीएम में है। बीसीएम में अंदर से गाड़ी धोने के कारण पानी चला गया था तो ये बीसीएम में फॉल्ट आ गया। मैं स्टार्ट करके दिखाता हूँ। ये सारी लाइट्स ऑन है और यहाँ पे हमारा रिमोट भी वर्क नहीं कर रहा है, जैसे मैं आपको दिखा दूं, लेकिन रिमोट अभी वर्क कर रहा है। कभी कभी ये भी वर्क नहीं करता है, जैसे कभी कर रहा है कभी नहीं कर रहा। तो हम इसका MBFM जो है BCM चेंज करने वाले हैं। इसका लोकेशन जो है यहाँ है, हमने इसको खोला हुआ है, दिखा दूं मैं आपको। ये हमारा BCM है, से निकालने के बाद इसको निकालना पड़ता है, तो मैं इसको निकाल लेता हूँ। तो यहाँ पे हमने ये पुराना BCM है, देख पा रहे हैं इसमें पानी घुसा हुआ है, निकाल के हमने नया यहाँ पे इंस्टॉल कर दिया है, बिल्कुल नया है। ये इसका पार्ट नंबर और MRP है। तो अभी हम इग्निशन ऑन करेंगे। जैसा कि देखिए, यहाँ पे सारा लाइट आकर के लाइट चला गया, आप भी देख पा रहे हैं। अभी इसमें हम प्रोग्रामिंग भी करेंगे रिमोट का, ठीक है। और गाड़ी भी हमारी स्टार्ट हो रही है। इसको नहीं लगाने से आपका स्टार्टर नहीं लेता है, तो सारा कुछ काम कर रहा है, ये लाइट सारी ऑफ हो गई। तो इसमें अब हम करेंगे रिमोट की प्रोग्रामिंग, ठीक है। तो इसमें हम इसी वीडियो में आपको इसको दिखाएंगे, बने रहिए। हाँ फ्रेंड्स, तो अब इसका हम जो प्रोग्रामिंग है रिमोट का, वो हम करेंगे लॉन्च से। और ये हमारा डिवाइस लगा हुआ वहाँ DLC, इसको हम कर लेते हैं अलग। इसको अलग करो तो रिमोट को, तो हमने इसको अलग कर लिया है और इसका हम प्रोग्रामिंग करेंगे लॉन्च के डिवाइस से। जैसा कि इसमें फॉल्ट आ रहा था BCM का, आपने पहले देखा लाइट सारी ऑन रह रही थी। अभी हम ऑन करते हैं, ये सारी लाइट ऑन हो करके ये ऑफ हो जाती है, जैसा कि होना चाहिए। तो प्रोग्रामिंग का प्रोसीजर हम देख लेंगे। अगर आपने पहला वीडियो हमारा देखा नहीं है तो वो भी देख सकते हैं। महिंद्रा सेलेक्ट किया हमने, पुराने वर्जन से भी प्रोग्रामिंग होता है, नए वर्जन से भी होगा। इसमें थोड़ा सा फाइल का सेटअप चेंज हो गया है, इसीलिए मैं आपके साथ ये भी शेयर कर रहा हूँ। यहाँ पर हम स्पेशल फंक्शन पर जाएंगे, इमोबिलाइजर सिस्टम रजिस्ट्रेशन। यहाँ पे देख पा रहे हैं रिमोट कीज़ मार, रिमोट कीज़ करने के बाद हमारी गाड़ी स्कॉर्पियो है। स्कॉर्पियो सेलेक्ट करेंगे, 2014 मॉडल अपना, और स्पेशल फंक्शन यहाँ पे खुलता है, तो हम स्पेशल फंक्शन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे जो मेन फाइल इसका है RF की प्रोग्राम, ये हमारा खुल के सामने आता है, हम इस पर क्लिक करेंगे। और जो प्रोसीजर है सिर्फ आपको उसको फॉलो करना है। हमारे पास एक चाबी है, एक रिमोट है सॉरी, तो हम 1 की करेंगे यहाँ पे। यहाँ पे लिखता है प्रेस लॉक एंड अनलॉक फॉर मिनिमम 5 सेकेंड विथ रिमोट लर्निंग इन प्रोसेस। तो यहाँ पे हम ओके करेंगे और यहाँ पे हम लॉक अनलॉक का जो रिमोट का बटन है उसको हम दबा के रखेंगे। लर्न सक्सेस यहाँ पे आ गया, ओके। ये हमारी रिमोट की ID हो गई यहाँ पे, जो इसका ID यहाँ पे चढ़ गया। अगर यहाँ पे आपका लर्न सक्सेस के बाद यहाँ पे 0 ID दिखता है तो वो आपका प्रोग्राम नहीं हुआ, जब तक ये इस तरीके का नंबर डिजिट नहीं आएगा। 0 लिखने से वो प्रोग्राम नहीं होता, सक्सेस तो लॉन्च हर बार दिखाता है, ठीक है भाइयों। तो हम इसको ओके करेंगे और सिस्टम को करेंगे बैक। बहुत सी मॉडल में आप अगर रिमोट प्रोग्राम करते हैं तो रिमोट सक्सेस होने के बाद गन भी बैक मारता है और बहुत सारे में नहीं भी मारता, जैसे इसमें बैक नहीं मारा, ठीक है। पिछली वीडियो में आपको दिखा होगा, मेरा लिंक मैं डाल दूंगा, उसमें रिमोट सक्सेस होने के बाद गन बैक मारता है। हम यहाँ पे इसको ऑफ कर लेंगे इग्निशन, इग्निशन हमारा बाहर है और ये हमारी रिमोट लॉक सक्सेसफुली, ये लॉक इंडिकेट सिक्योरिटी अलर्ट का हमें सिग्नल आ रहा है,
यहाँ से अनलॉक किए, अनलॉक हो गया। यहाँ से हम चेक करेंगे, लॉक अनलॉक, गन भी हमारा सारा वर्क कर रहा है। ठीक है भाइयों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दे इजाज़त। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।